सर, लेखक प्रकाशक संबंध तो एक मुद्दा है, लेकिन मैं एक और कुछ बात और भी कहना चाहता हूँ, वो भी आते हैं। दरअसल एक बार एक साहित्य उत्सव हुआ तो उसमें हमें बुलाया गया। उसमें टॉपिक था कौन लिखता है कौन बिकता है। तो एंकर थे, मैंने उनसे कहा यार आपका टॉपिक थोड़ा अधूरा है, इसमें थोड़ा और पूरा कर लीजिए। बोले क्या? मैंने कहा कि इसमें कौन टिकता है जोड़ लीजिए। दरअसल लिखना बिकना तो ठीक है, लेकिन टिकना टिकना किस तरीके से हो सकता है, ये प्रकाशक की समस्या है, प्रकाशक की जिम्मेदारी भी है। अभय जी ने बताया समाजशास्त्र की बात, तो श्यामाचरण दुबे जी से जब मेरी बात होती थी उस समय, तो मैं यही मानता था कि साहित्य के विकास का रास्ता भी समाजशास्त्र की गली से गुजरेगा। प्रेमचंद को ले लीजिए, तो उनकी समाजशास्त्र की बातों को ही तो हम उनका साहित्य मानते हैं, वही तो कह सकते हैं। या आज दलित साहित्य है, उभार पे सब चीज़ें हैं, तो ये उभार जो है, इस ये सब समाजशास्त्रीय अध्ययन होने ही के साथ ही गुजरना चाहिए। कोई सी भी हो, स्त्री विषय चीज़ें आ रही हों, कोई आ रहा हो, तो एक, लेकिन अब एक समस्या कहें या एक नई चीज़ और भी है कि नई वाली हिंदी। अब एक नई वाली हिंदी का मुद्दा भी जुड़ गया है। अब वो नई वाली हिंदी क्या है, उसके 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 लिए कोई अनुसंधान होना चाहिए या उसके कोई पैरामीटर्स भी बनने चाहिए कि ये नई हिंदी है, इस पे हम इस तरह से, इसमें हम गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें, या इसमें हम क्या चीज़ें करें और क्या ना करें। ये हमारे सभी साहित्यकार और समाजशास्त्री बंधुओं को देखना चाहिए। और वाणी प्रकाशन प्रकाशक के रूप में यदि कहूँ तो नए पाठक की खोज के लिए हमने हमेशा कार्य किया है, हम सोचते हैं। जैसे मुझे एक बार ऐसा लगा बोरवाल जी कि नए पाठक को कैसे हम अपनी ओर लाएं या उसको कैसे इंट्रोड्यूस करें साहित्य के अंदर। तो मुझे लगा कि जैसे किसी भी कवि की 50 कविताएं महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनको हम प्रकाशित करें या 5 कहानियां उनकी प्रकाशित करें कम कीमत पे, यदि हम उन पाठकों को एक बार प्रवेश तो करवाएं। तो इस तरीके से सभी प्रयास, हमने प्रयास किया, ऐसे बहुत से प्रकाशक और भी प्रयास करते हैं। तो नए साहित्य को के साथ कदम ताल करते हुए प्रकाशक को लेखक के साथ विमर्श करते हुए चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हमारे प्रकाशन ने जैसे बहुत सारी किताबें, बहुत सी चीज़ें नई इंट्रोड्यूस की हैं एक दूसरे के साथ, तो वो इसीलिए कर पाए कि नए की खोज के लिए इसमें हो सकता है। अब बात रही कि लेखक प्रकाशक संबंध, तो ये बहुत सरल है, इसमें कोई बहुत जटिलता नहीं है। जटिलता वहाँ होती है जहाँ पर देखिए लेखक प्रकाशक का एक अनुबंध होता है, सीधा सीधा किसी भी चीज़ का एक अनुबंध होता है। मान लीजिए आज हम यहाँ बैठे हैं, हमें पता है कि 9 बजे के बाद हम यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, हम चले जाएंगे। तो सीधा सा एक संपर्क है कि लेखक प्रकाशक एक अनुबंध है, मर्यादित सीमाओं में रहकर अनुबंध का पालन करना चाहिए, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। 2005 में एक बार इंडिया टुडे से मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि लेखक प्रकाशक संबंध की कोई समस्या नहीं हो सकती है, सब खताएं हो सकती हैं, वनस्पत की एक लिटरेरी एजेंट बीच में होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बाबा नागार्जुन या सभी से मेरे इतने मैंने अपने पूरे जीवन में इतने मधुर संबंध रहे कि मुझे एग्रीमेंट पे साइन करवाते हुए संकोच रखता था, शर्म रखता था कि बाबा से कहूँगा कि यार आप जरा इस पर साइन कर दीजिए। लेकिन अब समय है, अब वही समय है कि अनुबंध होना चाहिए। अनुबंध मतलब उस समय हमने कोई इस तरह के संबंध होते थे कि उसमें श्यामाचरण दुबे जी से क्या कहूँ कि आप साइन कर दीजिए कागज़ पे, वो भी कहते थे कि वो मैंने स्क्रिप्ट रखी है, तकिए के नीचे ले जाओ, मतलब उनकी जो भरोसे की नहीं। जब उनका अंतिम उनकी पांडुलिपि थी, तो एक दिन उन्होंने मुझे दोपहर को फ़ोन किया कि तुम जल्दी आओ। उस दिन मेरी गाड़ी ख़राब थी, मैं कल आ जाऊँ, बोले नहीं अभी आओ। तो मैं किसी तरह से उनके पास पहुँचा, बहुत गर्मी के दिन थे, तो वो लिफ्ट के पास अपनी एक कंडी रखे और बैंत लेकर टहल रहे थे। तो बोले कि देखिए मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आना हो या ना हो मैं कह नहीं सकता, वो तकिए के नीचे पांडुलिपि रखिए निकालो। तो पीले रंग के कागज़ों में एक पांडुलिपि थी, मैंने निकाली, तो बोले इसमें एक पहरा रह गया है, तो अब ना पूरा हो तो लिख देना, यदि मैं नहीं आ सका तो, कि ये नहीं कर सका। संक्रमण की पीड़ा जब किताब छपी तो वो मैंने, मतलब ऐसे संबंध थे। अब मैं क्या, तो भैया मनोज श्याम जोशी जी थे, एक बार हम न्यूयॉर्क में जब स्टैचू लिबर्टी तक जाया करते थे, हम दोनों टहल रहे थे,
तो मुझसे बोले कि ये लोकतंत्र की देवी है। मैं कहा हाँ जी। तो बोले कि लेखक प्रकाशक का संबंध कैसा होना चाहिए। मैं कहा बड़ा लोकतांत्रिक होना चाहिए। बोले तुम हमारी पिद्दी चढ़ोगे, हम तुम्हारी पिद्दी चढ़ेंगे। मैं कहा जी पहले आप चढ़ जाओ फिर मैं चढ़ जाऊँ। तो इस तरह से संबंध थे, रहे हैं, अभी भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बार राजकिशोर जी, जो हमारे लेखक जिनकी श्रृंखला हमने छापी, बहुत सी किताबें छापी उनकी, करीब 30 किताबें, तो उन्होंने कहा कि हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारी प्रतियां कितनी बिकी हैं। मैंने कहा आपको मुझ पर भरोसा ही करना पड़ेगा, और इससे कोई रास्ता दूसरा नहीं है। बोले नहीं, हमें एक रास्ता और ढूंढेंगे। मैं ढूंढिए। तो उन्होंने कहा कि हम प्रकाश लेखक अपना दल बनाएंगे और प्रेसों में जाएंगे कि तुमने कितनी प्रति छापी। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, आप जाइए मालूम करिए, या तो अनुबंध। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अनुबंध में लिख दिया करो कितनी कॉपी छापी। मैं कहा ऐसा कर देंगे। तो हमने कुछ समय तक उसमें भी लिखा कि भाई, लेकिन फिर समस्या आने लगी कि दूसरे एडिशन में फिर नया अनुबंध करोगे क्या, या पहले में लिखा है तो पहले, इस तरह की टेक्निकली चीज़ें। तो यही होता रहा कि ठीक है अनुबंध। तो अनुबंध का पालन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुबंध में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। और अब यदि लेखक ये कहें कि हमारी पुस्तक इतनी नहीं उतनी छपी, तो भाई ये उनको प्रूव करना पड़ेगा कितनी छपी। या फिर अनुबंध में लिखा होता है कि आपस में यदि कुछ डिस्प्यूट होता है तो हम लोग पहले पंच फैसला करेंगे और उसके बाद नहीं तो न्यायालय में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमको लिटरेरी एजेंट की बहुत सख्त आवश्यकता थी उस समय भी। लेकिन जब मैंने मिसेज जैन से उधर कहा, मैंने कहा देखिए लिटरेरी एजेंट की आवश्यकता तो होती। बोले हमको मिलता ही क्या है, जो लिटरेरी एजेंट को भी दे देंगे, मतलब उसमें से भी आप शेयर कीजिए रॉयल्टी में से। तो मैं कहा देखिए उससे आपकी रॉयल्टी और बढ़ेगी, ये मान के चलिए, क्योंकि हम प्रकाशक भी एक उसमें होते हैं, सीमाओं में, कि भाई इतनी यदि हम रॉयल्टी दे रहे हैं तो हमें इतना काम करना पड़ेगा इसके लिए, जा तो और रास्ते खोजिए, नए रास्ते खोजिए। तो ये सब है। तो हम लेखक का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि हमने अपने अभी लोगो भी एक बनाया था कि हम कहते हैं श्रेष्ठ, आप कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। तो ये हमने अपने लोगों के साथ भी लगाया था इस बार पुस्तक मेले में। तो पूरे सम्मान के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि अनुबंध की धाराओं का पूरा पालन, क्योंकि होता है ना कि यदि मान लीजिए लेखक प्रकाशक कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके बीच में कोई तो आप एक आरोप किसी पे भी लगाते हैं, जब भी तो होता है ना कि आप एक आरोप लगाते हैं कि आपके साथ ये ठीक नहीं है ऐसे। तो इसलिए अनुबंध की सभी धाराओं का पालन करना चाहिए, लेखक को भी प्रकाशक को भी, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट की समस्या ही नहीं है। ऐसे ही अब प्रकाशकों के बीच में जैसे अब पुरस्कार की राजनीति को भी हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। मतलब यही नहीं है कि लेखक को पुरस्कार मिलता है, लेकिन प्रकाशक भी उसमें शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं देखते हैं किस तरीके से ये पुरस्कारों का वितरण हो रहा है। ये जैसे अभी आपने बताया कि बेस्ट सेलर, तो ये सब मार्केट का हिस्सा है हमारे लिए। तो हम इन सबसे रूबरू होते हैं, और इन सबसे रूबरू के साथ होते हुए भी यदि आप बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहते हैं तो ठीक है, वो तो बाजार का हिस्सा है, लेकिन अनुबंध ही प्रकाशक के लिए एक प्रमुख कागज है जिसके ऊपर सारी धाराएं हम एक दूसरे के। अच्छा हाँ, इसमें लेखक ये भी कहते हैं कि साहब हमने तो ये तो कानूनी पेच है, हमने पढ़ाई नहीं। अरे भाई, जब आप अच्छी हिंदी बना सकते हो, हिंदी को नया रूप दे सकते हो, तो हिंदी में लिखे अनुबंध को क्यों नहीं पढ़ सकते आप, उसमें क्या कम समस्या है। तो इसलिए ये सब प्रकाशक की समस्याएं और सहजताएँ भी हैं। तो यदि सहजता से चलेंगे तो सहजता ही है, यदि हम इसमें कुछ और वो देखेंगे ऐसे रास्ते, तो फिर निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं।